आज का व्लॉग कुछ खास और कुछ स्पेशल लोगों से शुरू करते हैं। आज अपने बारे में नहीं, आज शुरुआत करते हैं किसी और से। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और ये सिर्फ उनके बुलंद हौसले की वजह से होता है। तो आइए देखते हैं ये कौन है और इन्होंने क्या किया है। अभी हम श्रीनगर से मीट किया हम पहले अच्छा यू गाइस मीटिंग शुरू कर दिया फिर हम कारगिल से शुरू किया। अभी ये पैदल हो हम दोनों पहले, अभी तो 1 साल 4 महीने के ऊपर हुआ। 8 months फैजल सालों घर से दूर रहकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करना, 18,000 के खारदुबला को कॉन्कर करना कोई मामूली बात नहीं। Hats off to you guys. Keep riding. All the best. कारगिल में कई दिनों बाद हमें अच्छी नींद और अच्छा खाना मिला। हम रुके थे होटल जोजिला रेजिडेंसी कारगिल में। एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लेह के लिए निकल पड़े। साढ़े 8,000 फीट की ऊंचाई पर सुरु नदी के किनारे पर बसा कारगिल शहर काफी बड़ा शहर है, लेकिन ज़्यादातर हिल स्टेशंस की तरह यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। लद्दाख में हर जगह खूबसूरती तो है, ज़्यादा ग्रीनरी नहीं दिखती, लेकिन एक रॉ चार्म है। कश्मीर और लद्दाख अगर आप बाय रोड एक्सप्लोर नहीं करते तो बहुत कुछ मिस कर देते हो। श्रीनगर से कारगिल तक का रूट हैज़ ग्रीन माउंटेन्स विद ग्रास कवर्ड फ्लैट लैंड्स, बट एज वी मूव्ड अवे फ्रॉम कारगिल वो हरे पर्वत दिखने कम होने लगे और उनकी जगह मिट्टी के ब्राउन कलर के पहाड़ों ने ले ली। हरियाली गायब होती गई और ऐसा लगने लगा जैसे हम रेगिस्तान में पहुंच गए हों। लेकिन इस सीनरी का भी ना अपना ही चार्म था और हम यहाँ पे कुछ शॉट्स लेने के लिए रुकने को मजबूर हो गए। सो हम लोग पहुंच गए हैं करीब 50-60 किलोमीटर कारगिल से लेह की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो है ये जो पीछे आप देख सकते हैं, ये सारे बिल्कुल एकदम गंजे पहाड़ जिसे बोलते हैं ना, इन पे शायद कहीं पे घास मिल जाए तो मिल जाए, बट अदरवाइज़ पूरे गंजे पहाड़ हैं। और यहाँ अभी दूर में अगर पीछे आप देखोगे तो कुछ तो दिख रहा है आपको कि कुछ, हाँ ठीक है दूर पीक्स दिख रही है, बट अभी एक जगह से हम गुजर रहे थे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम रोक नहीं पाए, लेकिन वहाँ पे सारी जगह ऐसी पहाड़ थे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ये तो बहुत छोटा सा लग रहे लेकिन वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और सारी जगह चारों तरफ ऐसा ही था, तो ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं ऐसे रेगिस्तान से गुजर रहे हैं। एंड प्रोबेबली दैट इज़ वाई जो लद्दाख है उसको या लेह रीजन जो है उसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है और इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए डेजर्ट। यहाँ पे मिट्टी और रेत और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। सो एनीवेज कीप वॉचिंग, बट रोड यहाँ की बहुत अमेजिंग है, रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है, ट्रैफिक कम है, सो चलाने में हमें मज़ा आ रहा है। हम लोग अपना टाइम लेके चल रहे हैं बिकॉज हमें लेह पहुँचने की कोई ऐसी जल्दी नहीं है। वी आर स्टेइंग इन लेह, वी हैव लर्न्ड वन लेसन कि अपने आप को पुश करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो रुकते हुए जाएंगे, लेह जाएंगे, देखेंगे वहाँ पहुँच के किस टाइम पे पहुँचते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सो कीप वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट देन कमेंट शेयर, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें एंड लेट अस नो हाउ यू आर लाइकिंग इट। सी यू ऑन द रोड। Border Roads Organization, you are at Namikkala. Altitude is 12,198 feet.
नहीं, ये डोमिनार है, वो हिमालयन है, ये रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है, ये 400 सीसी है। हाँ। ये माइलेज ऑन एन एवरेज 25 के आसपास, 25 to 27। ओके, सी यू। हम लोग 12,000 फीट पे, इससे उच्चतम में पहले कभी नहीं आया। सो गाइस, दिस इज रूट टू लेह, एंड रूट बहुत बढ़िया बनी हुई है, बट एज यू कैन सी इट्स ऑल बैरन माउंटेन्स, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई पेड़ पौधा। कारगिल डिस्ट्रिक्ट ही चल रहा है ना, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में तो हमने करवा लिया ना, 11,866 फीट। सो हम लोग पहुंच गए फाटुला टॉप, जिसकी ऊंचाई है, यस, 13,500 फीट। ये मेरी लाइफ का हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, और इसी ट्रिप पे मैं आगे भी और हाई एल्टीट्यूड पे जाने वाला हूँ, करीब करीब 4,000-5,000 फीट और ऊपर। सो इमेजिन, हम लोग 6,000 फीट पे एक हिल स्टेशन मान लेते हैं, और मैं यहाँ से 6,000 फीट और ऊपर जाने वाला हूँ, तो मेरा तो एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है। और यहाँ पे फाटुला टॉप पे ये कुछ फेयर फ्लैग्स हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे फ्लैग्स हैं, और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। ये प्रेयर फ्लैग जब लोग बांधते हैं, यहाँ के लोकल लोग बांधते हैं, अगर उनको कोई भी विश मांगना चाहते हैं, उनकी कोई भी विश पूरी हो जाती है, तो दे फील कि जो ये फ्लैग हैं, जब ये हवा में ऐसे, जब देखोगे आप, जब ये हवा में उड़ते हैं ना, तो उनकी जो प्रेयर है वो हवा से भगवान तक जाती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फ्लैग। थैंकफुली हमारे बाइक्स में अभी तक कोई इशू नहीं आया है, एक छोटा सा इशू छोड़कर, जिसमें मेरे को चेक इंजन की लाइट ऑन हो गई है, मेरे हिसाब से वो ऑक्सीजन की वजह से है, क्योंकि BS6 मॉडल है
और पहले भी जब मैं नारकंडा गया था तो तब भी यही हुआ था। तो ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे कम है तो इस वजह से बाइक शायद BS6 मॉडल में ये इशू ज़्यादा आ रहा है, शायद उतना ब्रीथ नहीं कर पा रहा है इंजन ठीक से, जो ऑयल एयर मिक्सचर होता है वो ठीक से उसमें नहीं जा रहा है, इसलिए O2 सेंसर शायद इसको एरर दिखा रहा है। एनीवेज बट सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि मनोज की बाइक के टायर है ट्यूब वाले, लेकिन फिर भी हमको कोई पंक्चर नहीं मिला। और देखो ये हमारे साथ एक और भाई हमें मिले थे, ये एक भाई नहीं है, हम पांच भाई हैं हमारे, हाँ मतलब पांच भाई हैं, उनमें एक की हिमालयन है और इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं थे और इन्होंने टायर भी चेंज नहीं करवाए थे, तो इनका मतलब बहुत बुरा हाल हुआ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्यूब वाले टायर्स के साथ आ रहे हो तो या तो आप ढक के टायर लेकर आओ या फिर एक्स्ट्रा ट्यूब लेकर आओ। सो अब यहाँ से चलेंगे हम आगे ले, बिकॉज हमें बहुत सारे परमिट पे स्टैंपिंग वगैरह करनी है और हमें नहीं पता वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। सो लेट्स गो टू ले। सो हम ले से कुछ 100 किलोमीटर किए इस एरिया में, ये पहाड़ों के बीच में, ये पथरीले पहाड़ है, पथरीले पहाड़ों के बीच में से हम निकल रहे हैं। मिट्टी के पहाड़ों की जगह अब पत्थर के पहाड़ दिखने लगे थे। इस पूरे रास्ते हर कुछ किलोमीटर बाद सीनरी चेंज हो जाती है, और बिलीव मी व्हेन आई से दिस, एवरी किलोमीटर वी कवर्ड वाज ब्यूटीफुल। इन पत्थर के पहाड़ों का भी अपना ही एक अलग चार्म है। खलसी, वेलकम टू खलसी। खलसी मैंने बोला था ना, खलसी को होगा टेस्ट। और अब हम जाएंगे अपनी नाक पे बत्ती करवाने। खलसी से निकलने के बाद सीनरी फिर से बहुत शानदार लगने लगी। प्लेन स्मूथ रोड, बराबर में बहती इंडस रिवर और पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ठंडी हवा। यहाँ हमें कभी कभार एक आध कोई गाड़ी दिख जाती थी, अदरवाइज टोटल पीस। और इस शांति को मैं थोड़ी देर अकेले एंजॉय करना चाहता था, कोई आसपास ना हो। तो बस थोड़ी सी मैंने बाइक तेज भगाई और एक अच्छा सा स्पॉट देख के मैं रुक गया। यहाँ बिल्कुल एकांत में मैंने करीब 15 मिनट बिताए, और सही में आज के दिन के ये 15 मिनट मेरे लिए पूरी जिंदगी की याद बन गए। बाइक
यहाँ पे जो हमने एक्सपीरियंस लिया वो था मैग्नेटिक हिल का, और वाकई में उसमें देखी जो आपने अभी क्लिप देखी उसमें मेरे बाइक बिल्कुल बंद कर दिया था, और रोड जो है कहीं नहीं बल्कि थोड़ी सी चढ़ाई है जिस तरफ वो जाती है, और बाइक अपने आप चली जा रही थी और स्पीड पकड़ रही थी, और अमेजिंगली ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुल कर रहा है बाइक को। सो इट्स एन एक्सपीरियंस एंड वी होप वी गेट अ लॉट मोर एक्सपीरियंसेस लाइक दिस। सो कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड। और फाइनली लीविंग बिहाइंड दैट ब्यूटीफुल सीनरी, हम पहुंच गए लेह इसी उम्मीद में कि अभी तो हमारा सफर बाकी है। We have actually reached Kathmandu.